ओम शांति। हम सबकी तपस्या ऐसे दीदी होने की भगवान वाच है, जो आत्मा एक सेकंड में शरीरी हो जाएगी वे पास विद ऑनर होंगे। हमारा लक्ष्य पास विद ऑनर होने का है, तो हमें एक सेकंड में स्वयं को देवान से मुक्त करके एसवीवी बन जाना है। और ये तभी संभव होगा जब हमारे संकल्पों की स्पीड धीमी रहे। जब हम सतयुग में देवता थे तो हमारे संकल्पों की स्पीड 8-10 संकल्प प्रति मिनट थी, आज 20-25 मिनट प्रति मिनट रहती है। और जो बहुत सोचते हैं उनकी स्पीड बहुत बढ़ी रहती है, उससे मन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। हमें अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना है, तो अपनी मन की स्पीड नेचुरल लाइफ में 8-10 संकल्प प्रति मिनट रखनी है। तब हम जब चाहें अपने मन को स्टॉप कर सकेंगे। और अभी यदि हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते रहें, यदि हम बीच बीच में योग युक्त होने की प्रैक्टिस करते रहें, यदि हमारे पास ज्ञान के पावरफुल थॉट्स हों, तो हमारी स्पीड और कम हो जाती है। 4-5 थॉट चलेंगे प्रति मिनट, हमें लगेगा हमारा चित्त शांत रहता है, सारा दिन हम शांत हैं। तब हम सेकंड में सदिदी हो जाएंगे और इससे हमारी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगी। और जो ऐसे अभ्यास में रहते हैं 5-7-8-10 संकल्प प्रति मिनट, उन्हें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हम ये लक्ष्य बना लें कि हमें स्वयं को सारा दिन निर संकल्प रखना है, श्रेष्ठ संकल्पों में रखना है, ताकि हमारा मन बहुत शांत रहे और हमारे अंदर साइलेंस पावर बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाए। पावर की मूल्यों से हम पावरफुल थॉट्स भी अपने पास इकट्ठे करके रखें। मूल्यों में ऐसे सुंदर सुंदर महावाक्य आते हैं जो हमारे चित्त को शांत कर देते हैं, जो हमें प्रभु प्रेम में मग्न कर देते हैं। एक महावाक्य आज के लिए, बाबा ने कहा, संसार में कोई ऐसा दर्पण नहीं जिसमें भगवान दिखाई देता हो। तुम अपने चेहरे को ऐसा दिव्य दर्पण बनाओ जिसमें सारा संसार बाप को देख सके। ऐसे दूसरा महावाक्य भी है, तुम तो बाबा की याद में मग्न रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी बाप करेगा। ये ऐसे सुंदर महावाक्य हैं जो हमारे चित्त को शांत करते हैं, हमें बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं और हम अपने लक्ष्य में सदा स्थित रहते हैं। तो आज हम अपने संकल्पों को बीच बीच में चेक करेंगे, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम वो सोच रहे हैं जो हमें सोचना चाहिए। यदि आपको उत्तर मिले नहीं, हम अननेसेसरीली सोच रहे हैं, हमारे मन में व्यर्थ चल रहा है, तो उसको समाप्त करें और अभ्यास करें। मैं तो आत्मा हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मुझे तो चारों ओर किरणें फैलानी है, मुझे तो संकल्प शक्ति को एकाग्र करना है, मेरा जन्म तो बाबा के महान कार्यों के लिए हुआ है। इस तरह के सुंदर विचार करेंगे तो जल्दी ही व्यर्थ विचारों को विराम लग जाएगा। तो आज सारा दिन बीच बीच में हर बार एक सेकंड में एसडीवी होने की प्रैक्टिस करें, हर घंटे में कई बार कर जाएं, कर्म करते हुए ही। मैं आत्मा मस्तक के मध्य में चमक रही हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ,
पवित्रता का सूर्य हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं चारों ओर, जो सारे वातावरण को चार्ज कर रही हैं। ओम शांति।